नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर्स ने क्लिनिकल ट्रायल के दौरान एक इंसान को एक वायरस का एक इंजेक्शन दिया है, जिसका उद्देश्य शरीर में कैंसर कोशिकाओं को मारना है। यह वायरस जानवरों पर सकारात्मक परिणाम दिखा चुका है। रिसर्च के मुताबिक इस इलाज को ऑन्कोलिटिक वायरस थेरेपी कहा जाता है। ऑन्कोलिटिक वायरस का एक रूप है जो कैंसर कोशिकाओं को संक्रमित और नष्ट करने के लिए वायरस का उपयोग करता है। विशेषज्ञों ने नोट किया है कि वायरस हमारी कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और फिर कोशिका की अनुवंशिक मशीनरी का उपयोग दोहराने के लिए करते हैं। इस नए कैंसर किलिंग वायरस को वैक्सीनिया के नाम से जाना जाता है। इसको कैंसर कोशिकाओं को मारने और स्वस्थ कोशिकाओं से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूज़वीक की रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि इस ट्रायल को पूरा होने के लिए अभी लगभग 2 वर्ष लगेंगे। इसके तहत पूरे अमेरिका में 100 कैंसर रोगियों पर परीक्षण किया जाएगा। कैंसर पर रिसर्च करने वाली कंपनी के अनुसार यह इलाज कैंसर के खिलाफ लोगों को प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मदद कर सकता है। बता दें कि यह कंपनी ही वायरस वैक्सीनिया का विकास कर रही है। इसका पूरा नाम CF33HNISVAXINIA है। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।